हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा बोरिंग कैप्चर फोटोग्राफी को कैसे मज़ेदार बनाएं, वो भी कुछ सिंपल टेक्निक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी फोटोग्राफी को मज़ेदार बनाने का, वो है उसकी फ्रेमिंग, या फिर आप सिमेट्रिक बोल लो, या फिर बैलेंस फोटोग्राफी बोल लो, या फिर लीडिंग लाइन्स के साथ बोल सकते हो फोटोग्राफी, या फिर आप रूल ऑफ थर्ड को यूज़ करके बना सकते हो। ये सब टेक्निक है जब आप एक फ़ोटो शूट करने वाले हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आपने अपनी फ़ोटो ऑलरेडी शूट कर ली है और वो लिटिल बिट बेकार आई है, क्योंकि आजकल जो हम किसी भी अपने फ्रेंड से फ़ोटो कैप्चर कराते तो वो हमारी फ़ोटो लो और बेकार एंगल से ही कैप्चर करते। तो मैं उस फ़ोटो को भी क्रेजी बनाने का एक सिंपल टेक्निक बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे। सो गाइस, किसी भी फ़ोटो को मज़ेदार बनाने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं। सबसे सिंपल टेक्निक है क्रॉपिंग, मींस क्रॉपिंग की मदद से और कुछ कलर करेक्शन की मदद से मैं आपकी फ़ोटो को बोरिंग से अमेजिंग बना सकता हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेमो के साथ। सो गाइस, अभी मैंने दो फोटोज़ ली हैं और मैं इन दोनों फ़ोटोज़ में अभी कुछ यही चीज़ करूँगा, क्रॉपिंग एंड थोड़ा बहुत कलर करेक्शन। तो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि गाइस, अभी आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें मैं अभी ऊपर खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और अभी आपको जैसे कि आप दिख पा रहा है कि जो मेरे आगे का व्यू बहुत ही ग्रेट है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है, लाइक मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, और मेरे जो पीछे की ब्लैंक स्पेस है, मतलब कि फ्री स्पेस, वो मेरे को थोड़ा बहुत कंपोजिटिंग वो थोड़ी मेरे को बेकार लग रही है। मीन्स की जो फ्रेमिंग होती है ना, फ्रेमिंग बिगड़ रही है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इस फोटो को क्रॉप करूँगा। कैसे क्रॉप करूँगा? जो भी मेरी ब्लैंक स्पेस है या फ्री स्पेस है, मैं उसको कम कर दूँगा, मैं उसको क्रॉप कर दूँगा। उसको क्रॉप करते ही जो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं रूल ऑफ थर्ड के बेस पे बिल्कुल वहाँ पे आ जाऊँगा, और जो मेरे आगे का नज़ारा होगा जहाँ पे सब्जेक्ट देख रहा है, उसकी फ्रेमिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी। उससे क्या है कि जो व्यू ऑफ प्रस्पेक्टिव है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। और जैसे कि मैं अभी ये चीज़ आपको करके दिखाता हूँ, मैंने अभी लिटिल बिट मैंने इस पार्ट को क्रॉप किया, जो पीछे खंबे के पार्ट जितना था मैंने वो सारा क्रॉप कर लिया, और अब मेरी जो फ्रेमिंग है वो आगे की फ्रेमिंग है। मैंने थोड़ा ऊपर से और थोड़ा नीचे से भी मैंने क्रॉप कर दिया है। तो अब इसमें आती है कलर करेक्शन की बारी। मींस कि आप ये जो टेक्निक मैंने अभी आपको सिंपल बताई है कि क्रॉपिंग, सिंपल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी फ़ोटो को ग्रेट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, समझ रहे हो ना, ग्रेट पर्सपेक्टिव, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी मैंने एक और फ़ोटो ली है जिसमें मैं बैठा हूँ फ्लोर में और आगे का क्लाउडी पार्ट दिख रहा है, और मेरे जो पीछे का ब्लैंक स्पेस है वो अलग दिख रही है। और ब्लैंक स्पेस जो होती है ना, वो थोड़ा वियर्ड लगती है, क्योंकि जब एक कंपोजिटिंग नहीं होती ना अच्छी चीज़ की, क्योंकि सब्जेक्ट या तो बिल्कुल कॉर्नर में होना चाहिए या रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिमेट्रिक करोगे तो भाई बल्ले बल्ले, मतलब कंपोजिटिंग एक मेजर फैक्टर है किसी भी फ़ोटो को ग्रेट बनाने का। सो गाइस, यही सेम टेक्निक मैंने इस दूसरी फ़ोटो में भी करी है, और अब इसकी थोड़ी कलर करेक्शन की जाए। मैं कलर करेक्शन में क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं वो अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेसिकली मैं कलर करेक्शन में हाईलाइट्स और शेडो के साथ प्ले करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि जो एक फ़ोटो है उसमें कितने हाईलाइट्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एडजस्ट करता हूँ मैनुअली। तो ये चीज़ है, और ऐसे ही मैं इसमें सैचुरेशन के साथ खेलता हूँ। सैचुरेशन इसलिए होता है ताकि इसमें थोड़ा कलर, मतलब कि थोड़ा कलर ग्रीनिश टोन आ जाए, और कॉन्ट्रास्ट आपके उसको बरकरार रखता है कलर को। और बाकी चीज़ें, अगर आपको विंटेज लुक देना है तो विंटेज लुक के लिए आप इसमें विंटेज का भी ऑप्शन है। मैं अभी सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं वो भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ लाइटरूम। लाइटरूम मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लगता है इसके रिगार्डिंग। तो मैंने अभी लाइटरूम यूज़ किया, और लाइटरूम में मैंने थोड़ा बहुत कलर करेक्शन किया। आप मेरे बेसिक स्टेप्स देख सकते हो कि आप मैं क्या क्या कलर करेक्ट कर रहा हूँ। तो बस ये कुछ सीन्स है छोटे मोटे। अब इससे मेरी फ़ोटो देखो आप, जो मेरी पहले की फ़ोटो थी बिफोर और जो अब आफ्टर की फ़ोटो थी, वो कितना फ़र्क है। तो ऐसी कुछ सिंपल टेक्निक्स होती है जिससे आप अपनी बोरिंग फोटो को, जो आपने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया, आपके किसी फ्रेंड ने एक बेकार फोटो कैप्चर कर लिया, उसको कितना क्रेजी बना सकते हो जस्ट क्रॉपिंग की मदद से, और बाकी थोड़ा बहुत कलर करेक्शन की मदद से। सो गाइस, यही कुछ मेरे टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप बताओ गाइस, आपको ये टिप्स कैसी लगी, और ऐसे ही कुछ ग्रेट टेक्निक्स और टिप्स मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। तो गाइस, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे और धमाल करेंगे। सो गाइस, बाय, टेक केयर।